माई का बच्चा बने बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। माई चाहती हैं सब मेरे बच्चे बने, किंतु बनते नहीं हैं। बड़ा बनना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, धन दौलत जमा करना चाहते हैं, जखीरा करना चाहते हैं। दूसरों से बड़ा बनने में उन्हें खुशी होती है। बच्चा बनने में माई मिलती हैं, बड़ा बनने में नहीं। धूल बनने में माई मिलती हैं, बड़ा बनने में नहीं। माँ को जानना है, माई को पाना है, तो सबकी धूल बनो, मिट्टी में मिल जाओ, जमीन से लग जाओ। माई सब कुछ दे देंगी। माई की पावन गोद में आकर क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिल जाता है। कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता। माई की गोद ही हमारा मकसद है। युग युग जहाँ से पहले हम अलग हुए और जन्म मरण की भट्टी में जल रहे हैं, माई की गोद से अलग होकर माई की गोद फिर से पाना है। माई की दया लेकर माई का बच्चा बनकर जगत में रहना है। माई का होकर जीवन व्यतीत करना है। माई माई मेरी माई सब कहते हैं, मुझको अपना बनाता कौन है? जो बनाता है वो मेरा हो जाता है, मैं उनकी हो जाती हूँ। मुझ में और उसमें कुछ भेद नहीं रह जाता है। मुझे जानना है तो पहले समझो, मैं सबकी माँ हूँ। मुझसे ही कोटि ब्रह्मांड उपजते हैं, मैं कोटि ब्रह्मांडों की माँ हूँ। मैं ही सबकी पालना कर रही हूँ, अंत में वो मुझ में ही समा जाते हैं। मैं ही सबकी रक्षक और भक्षक हूँ। जब जीव सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उनकी हो जाती हूँ। जब वो मेरा रास्ता छोड़कर माया के रास्ते जाता है तो वो दुख उठाता है, क्लेश उठाता है, मार खाते जाता है, परंतु समझ नहीं आती। समझ तब आती है जब मेरी दया होती है। जब मेरी दया होती है तब वो सीधे रास्ते पर आ जाता है।